सो फाइनली रीच चिटकुल और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। काफी देर से वॉइस ओवर है और ब्रेक हो गया था क्योंकि वायर वेल कनेक्टेड नहीं थी। अभी रात का स्टे तो है, ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन और ये जो अपना है सामने जो दिखाई दे रहा है ये है अपना माउंट कैलाश। माउंट कैलाश नहीं, शायद किन्नर कैलाश। क्या क्या आएगी आएगी रनी। So finally day 3 is started. Oh my god, yeah. और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? दुबई। चिटकुल। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चिटकुल और उससे पहले कहाँ जाएंगे हम? रक्षम ब्रिज। तो लास्ट विलेज ऑल सेट फॉर द आज 3500 मीटर ऊंचाई पे जाना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है वैसे। उसके बाद हम निकलेंगे आज के तीसरे सफर के लिए नाको के लिए क्योंकि गाजा नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी तरह से। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। रेडी, चलो फिर। या तो लेट्स गो। वेद भाई अपनी बाइक तो नहीं लेके जानी ना, एक ही बाइक में जाएंगे ना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। फाइनली रेडी फॉर द चितकुल विलेज। इधर आने पे खुद को ट्रॉफी देने आ गया लास्ट विलेज तक। अभी जाने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इसकी, बट ये तो बंदी ही साथ नहीं नहीं ये नहीं था। अभी चले तो अपना स्कूल जाने का प्लान बन गया, तो हमें जो प्लानिंग है उसके हिसाब से 2.5 घंटे के वापस जाना है। कल लक्सी वहाँ तक लेके जाएगी ये जिंदगी और ये रास्ता, और क्योंकि रास्ता तो बहुत नासूर है। Oh my God. तो अभी 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे रुके थे थोड़ा सीनिक भी देखने के लिए, बट पीछे जो काफ़ी देर से वॉइस ओवर है वो ब्रेक हो गया था क्योंकि वायर वेल कनेक्टेड नहीं थी। बट राइट नाउ अब यहाँ से चिटकुल रह गया 10 से 12 किलोमीटर। हैं 10 किलोमीटर और हमारे बंदे डायमॉक्स खा रहे हैं इस मीटर के लिए। सो एप्रिशिएट। हाँ तो ऑल सेट। तो ऑलमोस्ट चिटकुल रह गए अब 3 किलोमीटर। पर रोड जितनी भी थी बहुत वाहियात रोड थी। ये 23 किलोमीटर तो मतलब 1 घंटा हमने वेस्ट कर दिया यहाँ पे। वेस्ट नहीं कह सकते ऐसे, बट जो सीनिक ब्यूटी होती है ना उसको देखने लगे। कभी कभार ऐसे तो तरीके अपनाने ही पड़ते हैं क्योंकि नेचर है, नेचर के साथ छेड़छाड़ तो हम कर नहीं सकते। तो जो है जैसा है उसी में खुश रहना चाहिए। बट अभी हम दिखाएंगे आपको हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस जगह को चेंज करके हिंदुस्तान का पहला विलेज कर दिया होगा, क्योंकि माना को इन्होंने चेंज करके हिंदुस्तान का पहला विलेज कर दिया। तो अगर आप आ रहे हो तो सांगला से 23 किलोमीटर है, पर सांगला आते आते अभी 17 से 18 किलोमीटर जो है बहुत गंदे वाला रोड है। मतलब तो आप ये लगाओ कि एक तरह से 40 से 42 किलोमीटर आपको गंदे वाला रोड झेलना पड़ेगा पूरे तरीके से, अगर आपको हिंदुस्तान का आखिरी विलेज देना और नेचर ट्रेल देखनी है तो। बाकी आप सीधा नहीं तो जा सकते हैं रिकांगपे वाली साइड। सो फाइनली रीच चिटकुल और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। और ये नीचे जाके यहाँ से लोकेशन है, तो ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है चिटकुल। एल्टीट्यूड 11,320 फीट।
सो फाइनली डन विद द चितकुल विलेज, आखिरी ढाबा इज फिनिश्ड, नाउ गो बैक टू दुबई, दुबई नहीं सांगला। और प्लान में थोड़े से चेंजेस है हमारे, तो प्लानों के चेंजेस हम बताते हैं पहले, क्योंकि आज हम जाने लगे हैं कालपा। सो कालपा इज अवर न्यू स्टॉपेज, हमने जो आते हुए करना था। क्या कर रहा है? तो अब जाते जाते करेंगे। सो लेट्स गो, पहले तो ये बीहड़ जगह को पार करते हैं और उसके बाद आपको नीचे मिलेंगे सांगला में। सो फाइनली गुड बाय टू जॉस्टल सांगला। क्या भाई, तो अभी हम जस्ट निकलने लगे हैं कालपा। कालपा यहाँ से 62 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 4:00 इन द आफ्टरनून और वेदर कंडीशन पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, बट वी हैव टू रीच कालपा। 62 किलोमीटर यहाँ से तो रिकांगपियो तक सड़क बिल्कुल मक्खन है, पर यहाँ से 17 किलोमीटर जो चेस करना वो बहुत सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। ओके ओके, उसके बाद अपन सीधा जाएंगे दुबई। दुबई दुबई तो ऑल सेट, और नीचे दो जने पहुँच चुके हैं। तो 62 किलोमीटर यहाँ से, सो फार सो गुड। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी को टू दुबई, दुबई टू कालपा। तो राइट नाउ अभी सांगला से अपन निकल चुके हैं। सांगला से अपना कालपा का डिस्टेंस है 39 किलोमीटर, जिसमें से 17 किलोमीटर है खराब रोड और आखिरी में 6 किलोमीटर खराब है, यानी 20 किलोमीटर फुल टू मक्खन रोड है। सो हिप हिप हुर्रे आज के लिए भी, बिकॉज इट्स अ स्मूथ राइड होने वाली है 38 किलोमीटर की, और होप सो। इट्स राइट नाउ 4:13, तो 6:00 हम मैक्सिमम टारगेट लेके चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से। अभी सांगला से नीचे उतर चुके हैं और करछम अपन बस 1 किलोमीटर दूर रह गया और पहुंच जाएंगे करछम अपने उसके बाद। एंड आफ्टर दैट जो अपना छोटा सा डेस्टिनेशन पॉइंट है कालपा, वो वहां से रह जाएगा ऑलमोस्ट 39 था तो ऑलमोस्ट 21 रह जाएगा, जिसमें से 15 किलोमीटर तो मक्खन रोड है एक नंबर का रिकांगपियो तक। एंड आफ्टर दैट 6 किलोमीटर थोड़ा सा टफ रहने वाला हमारे लिए, टफ एंड रफ, बट 5:35 हमारा जो टाइम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करके 6:00 कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टे कल्पा, और अपना कल्पा में तो दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक वहाँ का सुसाइड पॉइंट और दूसरा वहाँ से किनर कैलाश जो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देता है। सो वी आर वेटिंग टू सी किनर कैलाश। अपन आ चुके हैं, बट हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत तगड़ी वाली रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि 48 से 72 और जहाँ पे भी हो वहीं पे रुकिए, क्योंकि होने वाला है बहुत तगड़ा थंडरस्टॉर्म और रेन। तो दिस इज टू बी स्केरी लिटिल बिट, बट वी हैव टू फिगर आउट दिस। तो अभी जाएंगे कालपा, कालपा से वहाँ पे जाके रुक के देखेंगे कि कैसे इसको फिगर आउट करना और कैसे आगे करना है इस चीज़ को, मतलब जो है झेलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला अगर ये सीरियसली ऐसा कुछ हो गया तो। सो लेट्स, यहाँ से अपना होटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, यानी कि रिकांगपियो है यहाँ से 10 to 12 किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट कालपा इज लुक लाइक 23, बट अपना होटल जो है वो 5 किलोमीटर पहले है कालपा से। तो लिटिल बिट स्केरी बट लिटिल बिट एडवेंचरस राइट नाउ। सो Now we are passing this Shongtong Bridge. ये है अपना NH05 हाईवे, और लिटिल बिट डिस्टेंस अपना रह गया होटल रूम से 4.3 किलोमीटर। सो होटल बुक हुआ नीचे, एंड दैट्स द रोड, एंड लिटिल बिट डेंजरस, बट वी हैव टू गिव अवर बेस्ट।
कर रहा है. So finally in the room, and this is the view from the अपना होटल रूम. एंड ओहो जब तो दस हट्टे वाला राइड था, ज्यादा दूर डिस्टेंस था, 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस था, इजिली हमने कवर कर लिया. एंड अभी रात का स्टे तो है ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन. और ये जो अपना है सामने जो दिखाई दे रहा है ये है अपना माउंट कैलाश. माउंट कैलाश नहीं, शायद किन्नर कैलाश है. तो अर्ली मॉर्निंग व्यू इज अमेजिंग आने वाला है अभी, क्योंकि बाहर बादल और थोड़ा सा माहौल भी वैसा है. तो 48-72 और के लिए जो है एचपी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है कि यहाँ पे खतरनाक होने वाला है व्यू. तो अब क्या कर सकते हैं भाई इसका है. गवर्नमेंट जाने और वो जाने, हमें तो कहीं नहीं लेना देना. सो लेट्स अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद आपको साथ थोड़ी सी चिट चैट करते हैं नाउ, ठीक है ना. नहीं वाइट का रन नहीं है. इसको क्या करना चाहिए? तो मैच बहुत ही खतरनाक स्थिति में और ये चौथी बॉल और ये आउट. मैं फील्ड में आते हुए लास्ट बॉल अगर की बॉलर बहुत खतरनाक और ये वाइड बॉल और ये बहुत ही खतरनाक बॉल और ये फिर से वाइड. क्या क्या आएगी आएगी. What was that? रन नहीं है, रन नहीं है भाई. तेरे से होगा यार, क्या कर रहा है? तीन बॉल आठ रह गए. तीन बॉल आठ अरे वाह यार, क्या कर रहा है? वाइड का तो अभी सिर्फ टायर चेंज कराने जा रहे हैं अर्जेंट बेसिस पे और पीछे का अलाइनमेंट कराने जा रहे हैं. रात के 7:15 हो चुके हैं तो सोचा कि अभी करवा लेते हैं, कल मॉर्निंग में थोड़ा इजी पीजी हो जाएगा. किन्नौर यानी कल्पा में है अभी हम. तो ये अपना है सामने से व्यू एंड वहाँ हैं अपने महादेव जी बैठे हुए हैं. तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द अपन अवर होटल. एंड कल रात को ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे तो कल भी सेम रूट किया, बट कल 12:30 बजे रात को सोया तो सवेरे 7 बजे उठे हैं. तो यहाँ से आगे डेस्टिनेशन है अपनी जो आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे. तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड. इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड हो सब्सक्राइब फ्रेंड. यू ऑलवेज नो शुक्रान लव द मशन बट टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू टू माय लवली फ्रेंड. मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में.